नंदेल के टॉप से तो अपन उधर गए थे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम दिस इज अंकित राज, ए के फ्री मैन। एंड गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं और अपन इस समय चल रहे हैं नंदी हिल की तरफ। ये राइड बहुत लंबी होने वाली है, बहुत दिनों के बाद मतलब करीब राइड पे मैं निकला हूँ। उस बार फर्स्ट टाइम मैं सोलो हूँ और मेरे पीछे मेरी गाड़ी लगेज वगैरह रेडी हो गया। हालांकि लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा क्या, इसमें जो इस वाले बैग में एक रेनकोट है एक्स्ट्रा, ताकि जब बारिश हो तो पटदवर आदमी पहन ले, और तो कुछ खाने पीने के सामान बोटल्स वगैरह। सो आइए चलते हैं नंदी हिल, क्योंकि ऑलरेडी 5 बज गया है, अजान की आवाज़ आ रही होगी शायद, और नाइट कर्फ्यू का टाइम है वो भी ख़त्म हो गया है। सो चलते हैं हम लोग नंदी हिल की तरफ एंड रास्ते में मिलते हैं आपसे। सी यू गाइस। सो गुड मॉर्निंग बेंगलुरु। सो हेयर वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी एंड वी हैव क्या आई हैव स्टार्टेड कोई यहाँ वी नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि अपन बिहार से हैं तो मैं कम बोलते हैं और हम ज़्यादा बोलते हैं, सोसाइटी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इंडिविजुअलिटी में उतना है नहीं। सो ये शुरू हो गया और ये है बेंगलुरु का सिल्क बोर्ड एरिया। साला पूरा एरिया ही खद के रखा है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो चल रही है। सो इस तरीके से अपन जर्नी शुरू हुई। जय विश्वकर्मा, जय महादेव, जय माँ काली, जय थावे वाली माता। तो आइए गाइस कवर करते हैं, समय कम है और पहुंचते हैं फटाफट। कम ऑन। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. Though you might get me through. But it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love. Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love. Suck you, na na na, to my center of gravity. Cause it's true, na na na, everything they say about me. All of you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy. But ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks, licks her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. अरे बाबा, रे बाबा, इतनी भीड़ रे, तो ज्यादा ही लोग हैं ये तो। सो हेयर वी आर, गाड़ी वगैरह पार्क लग कर दिया है, चल पड़े। थोड़ी सी लगता है ट्रस चढ़ाई है, ज़्यादा है नहीं। गाड़ी इधर लग गई रे बाबा, घने सारे लोग हैं। सो एंट्री हो गई है, 50 रुपये अगर आपके साथ एक गाड़ी है तो। एंड हेयर वी आर क्वीन मैन। इतने क्लाउड्स हैं ना, भरे पड़े। और जानते हो कंडेंस हो कि ये गिर भी रहे, मजे की बात है। ओहो, लेट्स कम गाइस, दिस इज द नंदी हिल, फाइनली आई एम हेयर। मौसम देख रहे हो, वेरी कोल्ड तो नहीं है, हाँ जैकेट वगैरह ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने फक फक मैंने
काट के बनाए, आई डोंट नो दुर्गा महेश्वर। यही हुआ नंदेल, ये तो बेटर हुआ कि मैं कभी इसके लिए पर्सनली नहीं आया कि चलो ठीक है आज नंदेल कवर करके चलते हैं। एंड थैंक्स कि मैं एक लंबे से वॉइस में था और इन बिटवीन द नंदेल था, दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन दैट आई हैव टेकन। और ये इतना क्लाउड्स ही हैं काफ़ी ज़्यादा कि कुछ दिख नहीं रहा। सो दिस इज़ फ्रॉम द नंदेल मैन। और सवाल क्या है कि एक चीज़ है कि राइड अच्छी है थोड़ी सी बीच में, हालांकि उतना भी नहीं है कि हाँ भैया मतलब होता है ना। हाँ पर ठीक है, जब आपके पास कुछ नहीं हो जाने के लिए और आप बेंगलुरु के अगल बगल में हो तो आप आ सकते हो, और सफर सीएन में पास करके थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लंबा टाइम तक आप बैठ सकते हो। सो नंदेल के टॉप से तो अपन उतर गए थे, अब मेरे को बीच में एक बोर्ड मिला, मतलब कोई अकरा वाली रिवर है टीपू ड्रॉप करके, उसका सोर्स का तो यहाँ है। ये घोर जंगलों के बीच में था तो मेरे को थोड़ा सा फैसिनेट कर रहा था, हमने कहा कोई नहीं मुड़ जाओ, अच्छा लग रहा है। और ये जो पत्ते जब हिलते हैं ना, हवा डिस्प्लेस होती है, बादल कंडेंस होते हैं, टप 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 पानी एक बार गिर जाता है, क्या बात है अंकित, मदर नेचर बहुत खूबसूरत लग रही है। तो दिख जा रही कोई आदमी आए कि नहीं इधर, नहीं आ रहा है ब्रो किधर का ड्रॉप बोला था। कम ऑन लेट्स फाइंड दैट। तो भैया वो जो पॉइंट दर्शा रहा था कि टीपू ड्रॉप वगैरह है सोर्स ऑफ कोई रिवर, इधर तो आ तो गया यार, इधर रास्ता ही बंद हो गया, ऊपर से लिख रखा है कि मतलब ऊपर चढ़ने का नहीं, सेल्फी लेने का नहीं, प्रोहिबिटेड। चलो कोई बात नहीं, जिनको मिले मतलब कि हाँ जिन्होंने देखा होगा वो सोर्स तो हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये रहा नंदे हिल, एंड अब चलते हैं यहाँ से बोगा महेश्वर, अगर वो मेरे इन रूट में हो, क्योंकि हमारे रूट है इस तरीके से अवलवेटा हिल देन लेपाक्षी देन गांधी कोटा एंड आफ्टर डैट टू द बेलम केव एंड देन बैक टू द बंगलुरु। टोटल मतलब ये 800 किलोमीटर के आसपास की राइड है। सो पहले 60-70 किलोमीटर तो हो चुके हैं, लेट्स ही चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाने का। और ऐसी चीज़ें यार मतलब कर्नाटका में एक्चुअली क्या है ना कि मतलब गूगल पे फोटोज़ देख के वहाँ घूमने मत जाओ समझे, क्योंकि इन्होंने टूरिज्म को बहुत प्रमोट करने के लिए कुछ शानदार पिक्चर्स ड्रोन पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके अपलोड कर रखे हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं एंड पहुँच जाते हैं। खैर कुछ नहीं, कोई नहीं, ये तो रही है नंदेल की बात, और लेट्स कम ऑन गाइस कम ऑन। सो इन दिस वे गाइस नंदेल हो गया मतलब, और ये वीडियो शायद यहीं तक, और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ हम, सो कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियोस में। और इस वीडियोस में शायद बेसिकली शायद आपने राइड ही देखा, वो एक्चुअली करने लायक और देखने लायक वही थी और कुछ नहीं था, ऊपर में इतने ज़्यादा बादल हैं कुछ कहने का नहीं, कोई नहीं बट मुस्कुराइए, अगर आपका कट भी गया हो तो कोई बात नहीं, मतलब मुस्कुराते रहना चाहिए। सो कम ऑन गाइस लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर बिलोंगिंग्स और स्टे हेल्दी, बाय बाय।